झारखंड में जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, जिन्होंने इस राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है और इस झारखंड से शिक्षा प्राप्त की है, वे झारखंडी हैं। झारखंड सरकार भाषा के नाम पर भेदभाव कर रही है, जो कि निंदनीय है। समाज को बांटने का प्रयास को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जिन लोगों ने आज जिलावार भाषा को परिभाषित किया है, वे लोग आज चुप हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर चुप रहना सवाल खड़े करता है। समाज में समरसता कैसे कायम हो, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। सत्ता का कदापि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उक्त बातें कही। इस मुद्दे पर कि झारखंड में जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं और जिन्होंने झारखंड के विकास के लिए अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना लगाया है, जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वो सभी लोग झारखंडी हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से भेदभाव करने की कोशिश कर रही है भाषा के नाम पर, निश्चित रूप से निंदनीय है और समाज को बांटने की कोशिश को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास पड़ोस में भी जब इस बात की चर्चा होती है तो लोग सरकार की इस कदम की निंदा कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा ये है कि समरसता बनाए, सबको साथ लेकर चले। सत्ता मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, उसका बेजा इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का न सिर्फ विरोध करती रहेगी बल्कि किस तरह से समाज में सामाजिक समरसता बना रहे, इसके लिए हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगाएंगे। एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जिलावार भाषा को परिभाषित किया, आज वो लोग इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, चुप हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की ओर से एक शब्द नहीं कहा जाना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है कि गठबंधन के दलों में भी आपस में इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है।